हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। आज वीडियो में देखने हैं कार्डन मेथड, जिसका यूज आता है क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, लाइक रूट्स वगैरह। अब आप सोच रहे हो कि भाई हम ऑप्शन से भी कर लेंगे, बट अगर आपसे सम या फिर आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया उन रूट्स का, तो वहाँ आप नहीं कर पाओगे। तो आपको इस मेथड्स की या फिर शॉर्टकट की यूज नीड होगी। मैंने जितनी वीडियो आज तक आपको कराई है, वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कराई है। एग्जाम तक जो भी मैं वीडियो करा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देख लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो आई हुई है, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको फाइंड आउट करने का एक शॉर्ट मेथड भी है, वो ये कि आप -1, 1, -2, 2, -3, 3, इनमें से आप वैल्यू लो और सेटिस्फाई करके देखो कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक वैल्यू भी आपकी मिल गई, तो बाकी आपकी दो इजीली निकल जाएंगी। वो मैं बताऊंगा आपको एंड में ही शॉर्टकट मेथड। एक प्रॉपर मेथड पढ़ लेते हैं कि इनमें से कोई वैल्यू नहीं हुई, और आप प्लीज़ कोर्स पर फोकस मत करो। वहाँ में रखने की वजह यह है कि बाकी सबसे भी डीएक्टिवेट हो रहा है, तो अभी हम उतना चेंज नहीं कर सकते। तो आप टेस्ट सीरीज पर फोकस करो, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है इसमें, कि आपको इसमें इस तरह की फॉर्म जनरेट करनी है, सॉरी bx² + c = 0, ठीक है। आपको ये फॉर्म जनरेट करनी है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी वीडियो है, नॉर्मल तरीका है इसका। अब इसको जनरेट करने के लिए आपको भाई मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप ये मानो कि लेट y = x - k L/3, ठीक है, जहाँ पर L क्या होगा, -kb/a। अब आप देख रहे हो कि भाई माइनस तो ठीक है, b क्या है यहाँ पर, -k 3, यानी कि x² का कोफिशियंट, x³ का कोफिशियंट क्या है आपका a, x² का कोफिशियंट क्या है आपका b, x का कोफिशियंट c, और आपके 16 क्या है आपका डी, ठीक है, अचर पद। तो -k - 3 और ए क्या है आपका 1, तो ये आपका क्या हो गया 3, और यहाँ पे y = क्या हो गया x - k 1, 3/3 क्या हो गया 1। अब यहाँ पर x क्या हो गया आपका y + k 1। ध्यान रखना, जो चीज़ मानी होती है बाद में हमें उसी को हटाना पड़ता है, तो ये चीज़ होगी एक। हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, x = y + 1। हमें रूट किससे मतलब है, हमें x के रूट से मतलब है, तो ध्यान रखना x की इक्वेशन में ही रूट हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या रखते हैं, सीधी सीधी इसकी वैल्यू रख देते हैं कि y + 1³ - 3, y + 1² + 12, y + 1 और +16 = 0। अब इसको हम ओपन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको कि y³ + 9y + 26 = 0। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि भाई इसमें 3y² यहाँ पर भी आ रहा है, भाई यहाँ आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस के 3y² आएगा, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने जो चीज़ मानी है ना, वो इस तरह से मानी कि हमें ये वाली फॉर्म मिले, क्लियर बात, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं हमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की। ये तो आपका आ गया क्या y³ + 9y + 26। एक अगली स्टेप पे बात करते हैं, कार्डन मेथड चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, आप दूसरी बार मानोगे, दो बार मानोगे यहाँ पर y = u + v, ठीक है। अब इसको किसके लिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा u + v। जस्ट आप में क्या रख दो, यहाँ पर रख दो वैल्यू, या फिर आप दूसरी चीज़ क्या करो, इसका क्यूब कर लो, तो u³ + 3uv u + v, अलजेब्रा का फॉर्मूला है a + b³। अब यहाँ पे u+v आपको दिख रहा है कि y है, तो बस भाई इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पर y लिख दो। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, तो इससे पहली वाली जो इक्वेशन थी वो और इस इक्वेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिख रही है आपको। वो कैसे, कि +k 9y + 26 = 0 थी पहली इक्वेशन, ओके, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करके लिखूँगा कि अगर ये y - u³ + v³ = 0। तो ये पहली और आपकी दूसरी इक्वेशन दोनों क्या दिख रही हैं, सिमिलर दिख रही हैं किसी कंडीशन में। देखो y का कोफिशियंट, देखो यहाँ पर क्या है, गुणांक भी है, यहाँ पर अचर पद भी है, सेम यहाँ पर क्या है, सेम ये चीज़ है। तो 3uv कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9, और आपका u³ + v³ क्या हो जाएगा -k 26। माइनस को मैंने वन साइडेड ले लिया है, ध्यान से देख लेना, कुछ है नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करो, ये चीज़ आ जाएगी, और एक शॉर्टकट मेथड तो है ही जो आपके पास है। अब इसमें क्या है आपका, ये देखो यहाँ पर यू वी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -k 3, और u³ + v³ का मान कितना आ गया 26 माइनस के। मूलों का योग दिख रहा होगा, अगर मैं यू क्यू को क्या मानूँ, एक मूल मानता हूँ, तो क्लियर बात,
एक मूल मानता हूं, तो मूलों का योग क्या दिख रहा है, माइनस 26, बट मूलों का योग क्या हो जाएगा, यू क्यू इंटू वी क्यू इक्वल टू माइनस के 27। अगर यू क्यू क्या है, एक मूल है, यू की पावर 3 क्या है, एक मूल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब सिंपल से जब मूलों का योग पता लग गया, मूलों का गुणनफल पता लग गया, तो मैं सिंपल से यहाँ पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के आपके मूलों का योग कितना है आपका माइनस के 26। तो माइनस के 26 इंटू एक्स प्लस के आपके मूलों का गुणनफल कितना है माइनस के 27 इक्वल टू आपका सी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद चलते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो देखो सिंपल सा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक तो आपकी आएगी माइनस के 27 और एक आएगी आपकी 1, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, बेसिकली यू की पावर 3 और वी की पावर 3 की। उल्टा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से यू क्या आ गया माइनस के 3 और वी क्या आ गया आपका 1। अब ये चीज़ आपको वैल्यू पता लग गई, आपको क्या करना, आप जो जो चीज़ आपने मानी है वही आपको क्या करनी है, वापस से हटानी है, रिमूव करनी है। तो अब उल्टा चलते हैं यहाँ से। तो सेकंड नंबर पे जो आपने माना था वो क्या था, वाई की वैल्यू थी, तो वाई क्या आ गया यहाँ से माइनस के 2 आ गया, ठीक है। वाई कितना आ गया माइनस के 2। वाई से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, एक्स कितना आ जाएगा आपका माइनस के 1, यानी कि आपको ये पता लग गया कि एक्स प्लस 1 क्या है, एक एक आपका रूट है, ठीक है। क्योंकि एक्स की जो वैल्यू कितनी आई, एक तो माइनस 1 आ गई ना, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 क्या हो गया, एक रूट हो गया। किस इक्वेशन का, वो पहली वाली इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के आपका 12x प्लस के आपका 16। अगर आप पहले ही पता कर लोगे ये चीज़ तो आपको ये इजी हो जाएगी, इनकेस उसमें से नहीं है तो ये आपको कार्डन मेथड लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक चीज़ करनी है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे एक लाइन फॉर्म करो, ठीक है, और इस तरीके से आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे। एक वैल्यू क्या थी आपकी माइनस के 1, उसी को लेके चलना है। यहाँ पर कोफिशियंट कितना है इसका 1, इसका कोफिशियंट कितना है माइनस के 3, इसका कोफिशियंट कितना है प्लस के 12 और इसका कोफिशियंट कितना है प्लस के 16, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, बात करते हैं हम इसकी। देखो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिंपल निल 1, ओके। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 में, तो कितना आ गया माइनस के 1, देन इसको टोटल करो माइनस के 4, माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कितना आ गया प्लस के आपका 4, कितना हो गया ये प्लस के 16, ओके। 16 का माइनस 1 में करोगे तो माइनस के 16, और एंड में हमेशा क्या आएगा, एज ऑलवेज 0 आएगा। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मूल निकाल सकते हो, क्योंकि इसके मूल क्या होंगे, आयोटा में होंगे, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं काल्पनिक मूल होंगे कुछ कुछ। तो एक्स क्या होगा आपका, एक्स क्या निकालूं मैं यहाँ से, यहाँ से निकालते हैं अगर 2 प्लस के 2 रूट 3 आयोटा, और ये माइनस में आएगा, यानी कि दो रूट आएंगे आपका, एक तो आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में, यानी कि आपका दूसरा रूट क्या आएगा, दूसरा रूट आपका आएगा 2 माइनस के 2 रूट 3 आयोटा, क्लियर बात। ये आपकी दो वैल्यू आएंगी और एक वैल्यू आपकी ये रही। अब आपसे वो एडिशन पूछता है, मल्टीप्लीकेशन पूछता है, तो आप इजली कर सकते हो, ठीक है। यानी एक फैक्टर आपका ये रहा, एक फैक्टर आपका ये है, और एक फैक्टर आपका क्या है माइनस के 1, तीन चीज़ हो गई। ये बहुत इजीली आप कर सकते हो, दोबारा देख लो इस चीज़ को फटाफट से। यहाँ को आपको एक बार ये मानना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ये रही मानने की, दूसरी बार आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। 1/1 हम स्टेप को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन में हमने स्क्वायर फॉर्म को हटाया, देन हम क्या करेंगे, क्यूबिक फॉर्म को हटाकर स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। ये आपने क्या माना, यहाँ से ये चीज़ मानी, इसमें एल क्या था माइनस की बी अपॉन ए, यहाँ पर वैल्यू रखी, तो एक आपको एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 जो आपने यहाँ पुट किया है वो आपने माना हुआ था, एक इक्वेशन जनरेट हो गई किस टर्म में, आपकी ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स प्लस के सी के टर्म में। देन आपने अगेन वाई को यू प्लस वी माना, और उससे कंपेयर करने के बाद आपने यू क्यू प्लस के वी क्यू निकाला, जो आपके क्या थे, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल थे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया वैल्यू को, और यू और वी की वैल्यू निकालने के बाद वाई की वैल्यू निकाली, देन एक्स की वैल्यू निकाली, और आपका आपके पास क्या आ गया, एक गुणनखंड आ गया। एक गुणनखंड आने के बाद आप सिंपल तरीके से इसको फॉलो करके चीज़ें क्या कर सकते हो, आगे कर सकते हो। बात क्लियर समझ में आ गई, तो थोड़ा अच्छे से देखो इसको, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि जस्ट माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3, तो इसको आप एक वैल्यू को देख लो चेक करके, अगर हो जाता है तो डायरेक्ट इसको यूज करो, फिर उसके बाद बाकी कार्डन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके।
ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ. ओके.